स्मोकी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है हमारी रेगुलर वाली चाय। इसके लिए लेंगे 1 कप दूध। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती। चीनी और चाय पत्ती आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये इलायची पाउडर। अगर आप चाहे तो आप इसके साथ अदरक भी डाल सकते हैं, अगर आपको अदरक और इलायची दोनों का टेस्ट एक साथ पसंद है तो। अब इसको दूसरे गैस पे शिफ्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कुल्हड़, ये आपको किसी भी मिट्टी के कुल्हड़ वाले के पास से मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इसको हमें मीडियम आंच पे अच्छी तरह से सेक लेना है। इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीखना है। थोड़ी थोड़ी देर पे इसे ऐसे घुमाते रहना है। जब ये सीखने लगेगा तब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये बाहर से बहुत अच्छी तरह से सीख गया है। अब हमें ऐसे ही अंदर से भी सेक लेना है। इसके लिए हम ऐसे उल्टा कर लेंगे इसे। यहाँ पे हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये अंदर और बाहर बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी है। हम दोनों स्टोव को ऑफ कर लेंगे पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके लिए हम मैंने लिया एक दूसरा बर्तन, इस पे रख देंगे इस कुल्हड़ को। अब हमें इसमें धीरे धीरे चाय डालनी है। इसे धीरे धीरे ही डालना है इसमें। ऐसा करने से जो हमने कुल्हड़ को अच्छी तरह से सिका है, इसका पूरा फ्लेवर चाय में आ जाएगा। जब इसमें से बबल्स आने बंद हो जाए तब हमें इस कुल्हड़ को निकाल लेना है। निकाल लेंगे इसे। अब इस चाय को मैं ऐसे एक दूसरे कुल्हड़ में ले लूंगी। आप इस चाय को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो ये हमारी स्मोकी चाय रेडी है।